दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है टाइम बम। ये राज कॉमिक की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी कॉमिक्स है। टाइम बम, सिंडिकेट बैंक, काम समाप्त होते ही क्रिसेंट मोड पर पहुंच जाना। और कोट पहने वाले युवक कार से निकलकर सिंडिकेट बैंक की तरफ बढ़ा। चलो, युवक का एक एक कदम एक एक मन के बराबर उठ रहा था। कैसे चल रहा है? बड़ा अजीब सा लिया है, घबरा भी था। रुको, आहा, हाथ जेब से बाहर निकालो। क्या? मैं कहता हूँ हाथ जेब से बाहर निकालो। क्या बात है बहादुर? सर, इसके इरादे नेक नहीं लगते, जेब में कुछ है इसकी। हाँ है, ओफ, ये टाइम बम है जो ठीक 15 मिनट पश्चात एक भयानक धमाके के साथ फट जाएगा। क्लिक, पकड़ो इसे, पागल हो गया ये, पकड़ो पागल लुटेरा। नहीं, ठहरो, रुक जाओ, दूर हट जाओ, ये बम है, जो छूते ही फट जाएंगे। मैं खुद एक टाइम बम हूं। ओह माय गॉड, 15 मिनट बाद ये पूरी इमारत मलबे का ढेर बन जाएगी। बैंक का सारा कैश 14 मिनट के अंदर मेरे हवाले कर दो। क्विक मूव, हरी अप, किसी ने खतरे का अलार्म बजा दिया। पलक झपकते ही बैंक के चेयर और पुलिस नजर आने लगी। ठहरो, रुक जाओ, मुझ पर गोली चलाने का अंजाम तुम खुद सोच सकते हो। टिक टिक टिक, 5 मिनट बीत चुके हैं, केवल 10 मिनट और बचे हैं। इंस्पेक्टर, तुम समझाओ इन मूर्खों को, बैंक का कैश मेरे वाले करने को कहो इनसे। तुम जो भी हो खुद को हमारे वाले कर दो, समय व्यर्थ मत गवाओ इंस्पेक्टर। 8 मिनट बीत चुके हैं, पल पल कीमती है। अगर ये बम फटे तो इनके साथ तुम्हारे जिस्म के चिथड़े भी उड़ जाएंगे, रुपया उस सूरत में भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मूर्खता छोड़ो, टाइम बम बेकार कर दो। नहीं, केवल 5 मिनट और, मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन इस पूरी इमारत को लेकर। तो भी ठीक है, 5 मिनट बीत जाने दो। नहीं, 5 मिनट में ये जरूर सरेंडर कर देगा। 3 मिनट और बीत गए, वैसे कांपता युवक चीख उठा। इंस्पेक्टर, मेरी जान खतरे में, मेरी बीवी, मेरी मासूम बच्ची, उन जालिमों के खत्म कर दो। ओके बॉस। संपूर्ण इमारत उस भयानक विस्फोट से थरा उठी। आह, ई ब्राम ब्राम। ओह, पलक झपकते बिल्डिंग आग धूल धुएं का गुब्बार नजर आने लगी। दर 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 दर, आह, भागो। ठीक उसी क्षण सामने वाली होटल की बिल्डिंग के कमरा नंबर 100 में खन्ना सतीश की बीवी और बच्ची की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अपने अड्डे से दूर छोड़ दो। ओके टाइगर। घटना के 24 घंटों की जांच के बाद, सर, एक पर्स मिला, मुझे लगता है ये उसी टाइम बम का है। हूँ, तुम ये कैसे कह सकते हो? यह पर्स मुझे कटी टांग पर चिथड़ों में झूल रहे कपड़े से लटका हुआ मिला है। तभी इंस्पेक्टर पर्स खोलकर देखता है। ओ सर, इसमें एक तस्वीर है, और अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही है तो ये वो आदमी जो टाइम बम की शक्ल में यहाँ आया था। तस्वीर के पीछे नाम और पता भी लिखा, सतीश वर्मा, 25C पश्चिम इंक्लेव। तुम फौरन इस सतीश वर्मा की जांच करो। मुझे किसी भी सूरत में दरिंदे चाहिए जिन्होंने सतीश वर्मा को शायद मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। यस सर। पर्स वाले पते पर रेड डाल दी गई। भीतर भीतर जो भी हो उसे फौरन गिरफ्तार करना है। सर, पूरा मकान खुला पड़ा, भीतर कोई नहीं है, देख रहा हूँ। तभी, सर ये औरत, ये मेरा घर है, मेरे पति की जान खतरे में है। इंस्पेक्टर साहब, क्या नाम है तुम्हारे पति का? सतीश, सतीश वर्मा। लेकिन आप कहीं कहीं उन लोगों ने, किन लोगों ने? साफ साफ को, वे जालिम इंस्पेक्टर, परसों रात 4 शैतानों ने हमारे घर पर दावा बोल दिया। हैंड्स अप, क्या चाहते हो? तुम तीनों का अपहरण? नहीं सर, तड़ाक। ओह खनाक, खन, बस बहुत हो गया, अब कोई हरकत की तो बच्ची को गोली मार दूंगा। मेरी बच्ची? नहीं, चलो बैठो, जल्दी करो खन्ना, कहाँ ले जा रहे हो मैं? डिसुजन की आंखों पर पट्टी बांध दो, सब पता चल जाएगा। अगले दिन, तुम्हारे जिस्म पर बम लगा दिया गया मिस्टर सतीश, तुम्हें एक बैंक लूटना है। नो, तो जरा उधर देख लो। श्रीता, पिंकी, उफ पिंकी, उफ पापा, सतीश, ओह जहरीला धुआं, मम्मी, खो खो, पापा, आह नहीं, बंद करो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, शाबाश। और उसके बाद वे दरिंदे मेरे पति को टाइम बम बनाकर ले गए। सुबह, मुझे अफसोस है मिसेज सरिता वर्मा, आपके पति अब इस दुनिया में। वो इसी के साथ ही सरिता वर्मा की दर्दनाक चीख दूर दूर तक गूंज गई। पुलिस की छानबीन जारी रही, लेकिन
वो ख्वाजे एक सप्ताह बाद भी अपराधी खुले घूम रहे हैं। वह आठवां दिन था जब काम समाप्त होते क्रिसेंट मोड़ पर मिलना। कार से निकल फेल्ट हैट लगाए और कोट पहने युवक बैंक में आ घुसा। फेल्ट हैट और कोट सिंडिकेट बैंक कांड का एक और करेक्टर। हेलो पुलिस, क्या हुआ क्या हुआ? शायद लूट होने वाली है बैंक में। टाइम बम आ गया, जीता जाता बम। टाइम बम सिंडिकेट बैंक की तरह 9 बार अपराध तफरी मची थी भीतर। मुझे देख लो मैनेजर, मैं टाइम बम हूँ, केवल 15 मिनट दूंगा, कैसी आप बर्बादी, सोच लो। ठहरो रुको, मैं इंजाम करता हूँ। उसी क्षण सामने वाली बिल्डिंग की छत पर। गुड, मुझे मालूम था कि इस बार हम कामयाब होंगे। पहली नाकामयाबी की उम्मीद तो मुझे भी थी बॉस। मैनेजर इंटरकॉम खटकर आए। कैशियर जल्दी करो, बैंक का सारा रुपया बैंक बैग में डालकर यहाँ ले आओ। सिगरी, सर बैंक का सारा कैश बाहर टैक्सी रखवा कर उसमें रखवाओ रखवाओ। टाइम बम बैंक के मुख्य द्वार की ओर लपका। खबरदार, कोई मुझे छूने की चेष्टा न करे। बार पुलिस स्वागत के लिए तैयार थी। ओह पुलिस, खबरदार कोई गोली न चलाए। पुलिस की जीप में रखो ये बैग। इंस्पेक्टर, जीप से दूर हट जाओ, मेरी और मेरी पत्नी निशा की जान खतरे में। इंस्पेक्टर, मुझ पर नजर रखी जा रही है, मेरी आवाज सुनी जा रही है, अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं बचूंगा नहीं, आग का गोला बन जाऊंगा। ये रिमोट कंट्रोल बम धमाके से फट जाएंगे। घर सर्वे निकला जा रहा है, लेकिन उसे पकड़ने की चेष्टा उसे मौत के मुंह में धकेल देगी, वह निर्दोष हो सकता है। इस सदी की मानतम लूट ने तहलका मचा दिया। कोई टाइम बम बंद कराता है, बैंक लूट कर आराम से चला भी जाता है, और हम सब कठपुतले से खड़े देखते रह जाते हैं। इंस्पेक्टर श्रीकांत, उस युवक का कुछ पता लगा जिसे इस बार टाइम बम बनाकर भेजा गया? नो सर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह शीघ्र ही ढूंढ लिया जाएगा। उसे हो सकता है अपराधी उसे उसकी बीवी सहित खत्म कर दे या शहर से बाहर निकाल दे। शर्म, शहर की नाकेबंदी कर रखी है। कुछ भी करो, लेकिन अब बैंक लूटने की तीसरी घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी सर, मैं कसम खाता हूँ। 48 घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों के पीछे न किए तो ये वर्दी नहीं पहनूंगा। पुलिस स्टेशन पहुंचते इंस्पेक्टर श्रीकांत को एक तीव्र झटका लगा। तुम? मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूँ, लेकिन आपके ये हवलदार जोंक की तरह चिपक गए हैं। इन्हें यह नहीं पता कि अगर मुझे भागना होता तो मैं यहाँ क्यों आता। छोड़ दो इसे, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? रवि बड़ोनी। इंस्पेक्टर साहब, सारे शहर की पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही है, लेकिन मैं उस लूट के लिए मजबूर था। मैं जाना चाहता हूँ मिस्टर रवि, की लूट के बाद जीप लेकर तुम गांव गायब हो गए। मुझे बैग में भरी लूट की दौलत लेकर क्रिसेंट मोड़ पर पहुंचना था। मैं पहुंचा, वो शायद वही वैन है। मैं रुपये लेकर वैन में पहुंच गया। गुड, वेरी गुड। मेरी पत्नी निशा कहाँ है? हम वादा खिलाफ नहीं करते, उसे सुरक्षित घर भेज दिया जाएगा। खन्ना, बम उतार लो। यस बॉस। अब तुम जीप लेकर लौट जाओ, और अपना हिस्सा चाहते हो तो ईमानदारी से ले सकते हो। शुक्रिया, मुझे ये रुपये रास नहीं आएंगे। टाइगर बॉस अब ये सीधा पुलिस के पास जा सकता है। जाने दो, हमारे दल में वे ही आदमी है जिनका कोई रिकॉर्ड किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है। तुम्हारी बीवी निशा घर पहुंची? हाँ, लेकिन अभी भी वह उस सदमे से नहीं उबर पाई है। ठीक, अभी तुम घर जा सकते हो, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी तुम्हें यहाँ आना होगा। कमिश्नर साहब से इस नई स्थिति पर विचार करना होगा। वो ठीक इसी क्षण सना। अरे ओह, ऊपर गड़बड़ है। अगले क्षण जीप का स्टीयरिंग घूम गया। गुरुर, शुक्र, मैं जीप सहित ऊपर पहुंच सकता हूँ। शुक्र, मैं जीप सहित ऊपर पहुंच सकता हूँ। गुरुर गुरुर, जीप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा रहा है। आई गुरुर पुलिस। अगले पल चेयरों के हाथों में रिवॉल्वर नजर आने लगे। खनाक, धाई 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 खन। ओह, एक छोटा दस्ती बम जीप की ओर उछला। ब्राम, भागो, हटो। आह ही सीमा, नहीं, बचाओ मुझे। आह, घबराओ नहीं। आह सीमा, तुम ठीक होने सीमा। उफ आह, वे छत की ओर से भागने की कोशिश में होंगे। ओ यह क्या? नो धाए आई
तुम जो भी हो तो आज तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ। दाएं दाएं आ गुर्र, जल्दी जल्दी करो गुर्र, हटो पीछे हटो, आ मेरी मोटरसाइकिल, घबराओ नहीं मिल जाएगी, इंस्पेक्टर हमारा पीछा कर रहा है। रॉक रॉक ब्रूम, राम जादो तुम्हें पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा, गुर्र। धड़ाक, चलाते रहो वैन का पीछा करना, जल्द गति बढ़ाओ। पुलिस, दूसरे पल इंस्पेक्टर स्वयं भी भीतर आता, घबराओ नहीं, नीचे झुककर बैठ जाओ। धड़ाक, धोएं धोएं, सुनो मेरे, कूदो कहते कूद पड़ना। अच्छा, दूसरे पल क्रिच, धोएं स्नॉक, आह कूदो। इसी के साथ आमने सामने से आ रहे दोनों वाहन एक भीषण आवाज के साथ टकरा गए। आई धड़ाम, इंस्पेक्टर एकमात्र बचे उस व्यक्ति के सिर पर जा पहुंचा। बताओ क्या नाम है तुम्हारा, उन बक्सों में क्या भरा था? आह ठहरो, बताता हूँ, मेरा नाम लीवर है। उन बक्सों में उस फ्लैट में रहने वाले पति पत्नी थे, हम उनका अपहरण करके ले जा रहे थे। क्यों? ताकि उनमें से एक को बोलो ताकि उनमें से एक को टाइम बम बनाकर लूट की जा सके। और बस इस सूचना ने मानो टाइम बम का ही काम किया। यस सर, हमें फौरन ही छापा मारना होगा। उधर टाइगर, खन्ना बेचारा अभी तक काम पूरा करके आए क्यों नहीं? आते होंगे बॉस, लेकिन इतनी जल्दी तीसरा टाइम बम बनाना उचित नहीं होगा बॉस। टाइगर कुछ कहता उससे पहले ही, टाइगर बॉस, गजब हो गया, मिशन फेल हो गया। क्या? हमारे तीन साथी मारे गए। मिशन फेल नहीं हुआ लीवर, आज एक बैंक और लुटेगा। लेकिन टाइगर बॉस, इंस्पेक्टर अड्डे को घेर रहा होगा। खन्ना, तुम टाइम बम बंद कर जाओगे? मैं टाइम बम? हाँ, लेकिन तुम पुलिस पर यही जाहिर करोगे कि तुम्हारी बीवी हमारे हमारे कब्जे में है और तुम बैंक लूटने के लिए मजबूर हो, समझे? लेकिन टाइगर बॉस, लिवर, बम खन्ना के जिस्म पर फिट कर दो। ओके बॉस। नहीं लिवर, बम टाइगर के जिस्म पर फिट करो। क्या बकते हो? कोई हरकत मत करना टाइगर, वरना सारी गोले जिस्म के अंदर झोंक दूंगा। लिवर मूव, जल्दी करो। खन्ना तुम पागल हो गए हो? यह रिमोट मुझे दे दो टाइगर, और याद रखना कि तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। ठीक इसी क्षण, पुलिस, शहबाज खन्ना, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। खतरा भापते खन्ना ने फायर जोक मारी, धाएं धाएं आह, धाएं आह। टाइगर ने मौके का फायदा उठाया। सर, टाइगर फरार हो रहा है इंस्पेक्टर साहब। ओ जहरीला धुआं, लीवर तुम बाहर निकल जाओ। खोखो, वह ज्यादा दूर दूर नहीं जा पाया होगा। क्रिसेंट मोड पर स्थित उस गोदाम को बाहर से चारों ओर से घेर लिया गया था, जबकि भीतर वो या तो सुरंग है, अंडरग्राउंड अड्डे से निकलने का गुप्त द्वार। उधर बारूद का ढेर बना, टाइगर एक गटर का मुंह फाड़कर बाहर निकला। अब देखता हूँ कैसे पकड़ेगा कोई मुझे। तेज से दौड़कर वह पास खड़े कार के पास पहुंचा और पलक झपकते ही, नहीं आह। तभी अभी वह कार को ले उठता कि तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। खबरदार, किसी ने मुझ पर फायर किया तो मेरे साथ इस औरत की भी जान जाएगी, हट जाओ आगे से। पलक झपकते वह कार को ले उठा, तभी इंस्पेक्टर गटर से बाहर निकला। सब भाई भाग रहा है, उसी कार में की युवती भी है, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। जीप में सवार हो इंस्पेक्टर ने उसका पीछा किया। उधर तेज से कार दौड़ा था, टाइगर एक स्कूल के सामने पहुंचा और कार से निकलकर उस बिल्डिंग में प्रवेश कर गया। इंस्पेक्टर भी पीछा करता हुआ बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। टाइगर, तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, रिमोट का बटन दबाते मैं तुम्हारे पर खच्चे उड़ा दूंगा। लेकिन यह मत भूलो इंस्पेक्टर, मेरे साथ पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी और हजारों बच्चे भी मारे जाएंगे। पलक झपकते टाइगर पानी की टंकी पर चढ़ गया। तुम चारों ओर से गिर चुके हैं टाइगर, अब तुम बच नहीं सकोगे। इंस्पेक्टर, जब तक मेरे शरीर में बम बंधे हैं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि तुम इन हजारों बच्चों की जान की सलामती चाहते हो तो रिमोट इधर फेंक दो, नहीं तो मेरे छत पर कुत्ते बम फट जाएंगे। ओ, मैं इसे गोली मार दूंगा। लेकिन लेकिन पल भर में इंस्पेक्टर बहुत कुछ सोच चुका था। ठीक है, मैं रिमोट कंट्रोल फेंक रहा हूँ, यह लो। इंस्पेक्टर ने रिमोट टाइगर की ओर उछाल दिया, लेकिन साथ ही बेहद फुर्ती के साथ उसने फायर भी कर दिया। दाएं आह, टाइगर ने रिमोट लपक लिया, लेकिन गोली लगने से वह लड़खड़ा गया और नीचे छत की ओर गिरने लगा। तभी इंस्पेक्टर का शरीर हवा में लहराया। ओ, यदि वह छत पर गिर गया तो उसके शरीर पर बंधे बम फट जाएंगे। और नहीं टाइगर, मैं तुम्हें छत पर नहीं गिरने दूंगा। इंस्पेक्टर टाइगर की लाश को हाथों में थामे स्कूल की बिल्डिंग से दूर मैदान में गिरा और भड़ाम। इस तरह इंस्पेक्टर ने अपनी जान की बाजी लगाकर हजारों बच्चों की जान बचा ली।
लीवर को सरकारी गवाह बन जाने का लाभ मिला, उसे केवल 3 वर्ष की सजा मिली। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।